खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। प्रदेश के प्रमुख शहरों में चल रहे रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स को प्रदेश के गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है। इन रेस्टोरों के संचालन का एनओसी जारी करने के लिए नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने बायलॉट जारी कर दिए हैं। रूफ टॉप रेस्टोरों के संचालन के मापदंडों पर यह खास रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश के कई प्रमुख और पर्यटक शहरों में इमारतों की छतों पर रूफटॉप रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। इन रेस्टोरों के संचालन के लिए वर्तमान में कोई नियम कायदे नहीं है। बिना नियम कायदों के मनमर्जी से इन रेस्टोरेंट्स का संचालन किया जा रहा है। रेस्टोरों में आपदा के दौरान किसी प्रकार की जनहानि न हो, अग्निशमन के पुख्ता प्रबंध हो, पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान मौजूद हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने बायलॉज जारी किए। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में 22 नवंबर को बैठक हुई थी। इस बैठक में लिए फैसलों के आधार पर ही ये बायलॉज जारी किए गए हैं। आपको बताते हैं कि इन बायलॉज में क्या मापदंड तय किए गए हैं। व्यावसायिक सड़कों पर संस्थानिक व्यावसायिक इमारतों में संचालित किए जा सकेंगे। छत का अधिकतम 25% क्षेत्र स्टील या एल्यूमिनियम के ढांचे से कवर किया जाएगा। अस्थायी निर्माण की ऊंचाई 4 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। रेस्टोरों के लिए 4 सीट्स पर एक कार के हिसाब से अलग से पार्किंग रखनी होगी। छत पर रेलिंग की ऊंचाई कम से कम 1.5 मीटर होगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स की पालना करते हुए फायर एनओसी लेनी होगी। रेस्टोरों में आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर किस तरह के प्रावधान किए जाने चाहिए ये भी इसमें बताया गया है। बिल्डिंग प्लान की संबंधित निकाय से स्वीकृति लेनी होगी। रेस्टोरों के लिए एनओसी लेना जरूरी होगा। आपदा के समय सुरक्षित निकास के लिए लेआउट प्लान प्रदर्शित करना होगा। साल में एक बार रेस्टोरों की थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाएगी। हर रेस्टोरेंट में एक फायर एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाएगी। ये फायर एक्सपर्ट समय समय पर फायर सेफ्टी चेक के लिए मॉक ड्रिल करेगा। एलपीजी स्टोव और कोयले के चूल्हे का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अस्थायी निर्माण और इमारत का सेफ्टी सर्टिफिकेट जरूरी है। अस्थायी निर्माण के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड की पालना की जाएगी। मापदंडों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निकाय में एक कमेटी का गठन होगा। कमेटी समय समय पर रेस्टोरेंट का निरीक्षण करेगी। रेस्टोरेंट की स्वीकृति के लिए 100 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से निकाय को शुल्क देना होगा। आवेदन शुल्क 300 रुपए, निरीक्षण शुल्क 30 रुपए प्रति वर्ग फीट, 100 रुपए प्रति वर्ग फीट स्वीकृति शुल्क रेस्टोरेंट संचालक को देना होगा। हर साल अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए स्वीकृति शुल्क की 5% राशि देनी होगी। ये बायलॉ जारी कर प्रदेश की रूफटॉप रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री को संजीवनी दी गई है। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिहाज से भी माकूल प्रावधान किए गए हैं। जरूरत है तो इन प्रावधानों की कड़ी पालना की। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।